अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोहेब फारूकी और आप देख रहे हैं ऐसा एचपी ट्यूटोरियल। तो आज आपको मैं बताऊंगा, अगर आप यूट्यूब के ऊपर चैनल स्टार्ट करना चाहते हो, टिकटॉक वीडियोस बनाना चाहते हो, इंस्टाग्राम वीडियोस बनाना चाहते हो, नेक्स्ट फ्यूचर में तो फेसबुक आ रहा है कि फेसबुक के ऊपर अगर आप वीडियोज़ अपलोड करोगे तो आपको उससे भी अर्निंग होगी। तो अगर आप ये सारा कुछ करना चाहते हो तो आपको एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए, आपको वीडियो एडिट करना आनी चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं आती तो आप यूट्यूब ये वाली जो चीज़ें आपको मैंने बताई है उसके ऊपर नहीं काम कर सकते। तो इसके लिए आपको मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूं कि वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सा आपके सिस्टम के हिसाब से बेस्ट रहेगा, तो सब कुछ आपको मैं डिटेल से बताता हूं। तो वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं वीडियो एडिटिंग के, जिसमें सबसे जो टॉप पे चलता है, आपको नाम तो सुना होगा, अडोब प्रीमियम के नाम से, फिल्मोरा के नाम से, इस तरह के और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे तो आपके कंप्यूटर जो है ना वो काफी मतलब हैवी किस्म का होना चाहिए, मतलब उसका रैम प्रोसेसर ठीक है, उसमें ग्राफिक कार्ड मतलब उस हिसाब का होना चाहिए कि जो इसको सपोर्ट कर सके। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसा फ्री में सॉफ्टवेयर बताऊंगा, है तो वैसे ये फ्री नहीं है, लेकिन आपको मैं फ्री में इंस्टॉल करने का तरीका बताऊंगा और फ्री में इसको यूज करने का तरीका बताऊंगा। तो उस सॉफ्टवेयर का नाम है जी कमटीसिया। तो सारे यूट्यूबर जितने भी यूट्यूबर्स हैं ना, मोस्टली ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। अब इसको यूज क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक लाइट वेट सा सॉफ्टवेयर है। मतलब क्या कि आप इसको अगर आपके कंप्यूटर की रैम 4 से 8 GB के तक है तो आप उसमें यूज कर सकते हो। अगर नॉर्मल सा सिस्टम है, ग्राफिक कार्ड उसमें नहीं है ठीक है, अलग से नहीं आपको लगवाना पड़ेगा, तो आप उसमें भी ये यूज कर सकते हो सॉफ्टवेयर को। और उसके बाद ये बहुत ही इजी इंटरफेस है इसका, तो वो आगे बताता हूँ कैसा इंटरफेस है। तो मैंने अभी ये मेरी तकरीबन 203 या 204 वीडियो होगी इस यूट्यूब चैनल पर जिसपे आप देख रहे हो, सारी की सारी कमटीसिया पे बनी है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये भी कमटीसिया के ऊपर बनी हुई है। तो कमटीसिया बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, तो इसका आपको मैं डिटेल से बताता हूं इसको कैसे आपने यूज करना है। अच्छा, इसमें क्लासेस होंगी, तो फर्स्ट क्लास में आज मैं आपको बताऊंगा, सेकंड इस तरह करके मैं क्लासेस बनाऊंगा इसके, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाए ना तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, एक वीडियो को एक दिन में इतनी देर देखा भी नहीं जाता, क्योंकि प्रैक्टिस भी तो करनी होती है ना। तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है अगर आप यूट्यूब के ऊपर काम करना स्टार्ट करना चाहते हो और आप कहते हो कि हम पैसे कमाएं यूट्यूब से। क्योंकि अगर आपको आज के दौर में वीडियो एडिट करना नहीं आती तो आप समझ लो जो आपको कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि वीडियो एक ऐसी चीज है जो हर प्लेटफॉर्म में हर जगह पे यूज होती है। तो वीडियो एडिटिंग सीखो, कोई शॉर्ट तरीका ना ढूंढो यूट्यूब पे काम करने के लिए, आप अच्छे से वीडियो एडिट कोई और सॉफ्टवेयर, जैसे मैंने आपको थंबनेल बनाने का तरीका भी पिछली वीडियो में बताया हुआ है, तो ये सारे काम करो तो फिर आप पैसे कमाओगे। शॉर्टकट तरीके अगर आप ढूंढोगे ना, मतलब कि हम फेक तरीके से सब्सक्राइबर ले लेंगे, वॉच टाइम बढ़ा लेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं है। कोई मतलब वो वक्ती तौर पे आपका एक चीज़ बन जाती है, लेकिन ओरिजिनल तो नहीं ना, आपके ओरिजिनल ना तो सब्सक्राइबर है ना तो वॉच टाइम है, तो पैसा कैसे कमाओगे? जो $100 का बनाना है यूट्यूब पे पहले मंथ में, वो कैसे बनाओगे? तो ओरिजिनल चीज़ें होंगी तो फिर बनेंगी। तो अभी मैं बताने लगा हूँ कमटीसिया के बारे में, कमटीसिया को आपने यूज कैसे करना है। तो अगर आप चाहते हो कि इस तरह की और वीडियोज आपको बिना सर्च के मिल जाए तो आप मेरा ये चैनल SHP ट्यूटोरियल लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कमटीसिया, और कमटीसिया को यूज करके हम वीडियो कैसे एडिट करते हैं सब कुछ डिटेल से बताता हूँ। तो व्यूवर्स, कमटीसिया का जो फर्स्ट इंटरफेस जो है वो इस तरह का है, तो इसको देख के आपने परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल सा इंटरफेस है इसका। बाकी जो दूसरे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा इजी सॉफ्टवेयर है ठीक है, जैसे अभी मैं आपको पहले इसके सारे फीचर्स बता चुका हूँ। तो अभी ये वाला जो ब्लैक स्क्रीन हमारे पास आ रही है, इधर हमें नज़र आएगा जो जो मैं काम कर रहा हूँ, मतलब जो वीडियो एडिटिंग कर रहा हूँ वो आएगा, और ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज़ है ठीक है, जहाँ पर मतलब कुछ टेक्स्ट है, कुछ वीडियोस है, उनके ऊपर मैंने कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, कुछ इस तरह की चीजें, अभी आपको मैं दिखाता हूं कैसे इनको यूज करें। तो ये वाला जो एरिया है हमारे पास, इसमें क्या होगा, जो भी हम वीडियो पिक्चर्स वीडियो यानी कि जिनके ऊपर हमने काम करना है, अपनी पूरी लाइब्रेरी है ठीक है, वो हमने इधर अपना मीडिया इधर फेंकना है, मतलब इधर हमने सारा कुछ करना है, तो वो इस पे आएगा। और ये सारे ऑप्शंस इनके बारे में बताता हूं। अच्छा, तो नीचे आप ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं टाइमलाइन। तो कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर ले लो, सबका यही
सेम तरीकाकार होता है, सबके यही सेम फीचर्स होते हैं, लेकिन कुछ एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे मैंने आपको बोला था Adobe प्रीमियम है वो बहुत एडवांस है, ठीक है, ऐसे ही फिल्मोरा के नाम से है वो भी काफ़ी एडवांस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, लेकिन अगर आप वो भी यूज़ करते हो तो आपके पास ऐसी ही चीज़ें आएंगी। हाँ, उनमें फीचर्स थोड़े से और हो सकते हैं, लेकिन सेम चीज़ें यही होती हैं। तो ये हमारे पास टाइमलाइन है, ट्रैक 1, 2, इनके ऊपर हमने सारा काम करना होता है। तो ये इसके ऑप्शंस हैं, इनको अभी मैं आपको सब कुछ बताता हूँ, इसके ऊपर हमने एक छोटी सी वीडियो एडिट करके दिखाता हूँ, तो कैसे करते हैं सारा कुछ मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें एक वीडियो लेके आनी होगी इधर, जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो आप ये देख सकते हो, ये वाला जगह पर आके आपने डबल क्लिक कर दो तो आप भी आ सकता है, या फिर आप राइट क्लिक करके ओपन फाइल करके भी इसको लेके आ सकते हो। तो अभी मैं क्या कहते हैं, इधर से कोई वीडियो ले लेते हैं हम, जिसके ऊपर हमने काम करना है। तो जैसे मैंने ये वीडियो सेलेक्ट कर ली, तो ये हमारे पास वीडियो इधर आ चुकी है। तो आपने जो भी अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग की है, अपने कैमरे से रिकॉर्डिंग की है, पहले तो कंप्यूटर में ले आना है, कंप्यूटर में लेके आने के बाद आपने इधर वीडियो को ले आना है। तो अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये वीडियो है। अच्छा, पहले तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ये जो वीडियो का यानी कि साइज़ है वो हमने कैसे सेट करना है। तो उसके लिए आपने ये ऊपर वाली साइड पर आना है, ये वाली जगह पर, ठीक है। आप ये देख सकते हैं इसमें आ रहा है प्रोजेक्ट सेटिंग, तो आपने प्रोजेक्ट सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है। तो आप के पास ये इसके प्रोजेक्ट की सेटिंग्स हैं, ठीक है, बहुत सारे टेम्पलेट्स खुद ब खुद बने बनाए आ रहे हैं। तो आप YouTube के लिए जो मोस्टली यूज़ होता है ना, वो 1280 और ज़रा 720 ये वाला जो साइज़ है ये यूज़ होता है। बाकी अगर आप ये यूज़ करना चाहते हो, 4K वाला यूज़ करना चाहते हो, तो आपके पास तो ये जो वाइड स्क्रीन के आ रहे हैं ना, इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको कि ये वाला कर लीजिएगा, बाकी आपने इसमें कुछ नहीं सेटिंग करनी और इसको अप्लाई वैसे ही रहने देना है। और उसके बाद अब मैं ये वीडियो लेके आता हूँ अपनी। अच्छा, आपने इसको इस तरह ड्रैग करना है, ड्रैग करके लेके आओगे तो ट्रैक 1, 2 ये देखिए आपको हमारे पास ट्रैक आ रहे हैं। तो आपने इसको ट्रैक 1 के ऊपर ले आना है वीडियो को। तो ये देख सकते हैं मेरी जो वीडियो ट्रैक 1 पे आ चुकी है, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं ये जो एक लाइन सी है, इसको अगर मैं पकड़ के आगे पीछे कर रहा हूँ तो मेरी वीडियो का जितना भी व्यू है वो सारा कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी आप ये देख सकते हैं मैं जैसे इसको शुरू में ले आता हूँ, तो ये प्ले बटन है, अगर मैं प्ले बटन करता हूँ या अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन भी दबा सकते हैं, तो आप जैसे ही दबाओगे अभी आप ये देख सकते हैं मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले इतना एरिया आप ये देख सकते हैं, इसको अगर मैं जूम करके दिखाता हूँ तो इतना एरिया आपके पास ये देखो बहुत मैंने बोला नहीं हूँ, ठीक है, मतलब ये अनवेस्टेड एरिया है, यानी कि मैं क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा बंदे को थोड़ा सेट होना पड़ता है। तो ये वाला मेरे पास अनवेस्टेड एरिया है। तो अब इसकी हमने कटिंग करनी है ये वाले की, ठीक है, इतना ही रहा। तो आपको ये पास लेके जाना है, यानी कर्सर ये इधर से आप इसको जूम इन यानी कि अपने ट्रैक को जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। अगर आप जूम आउट करोगे इधर से और इसको मैं लेके आता हूँ, ये देखिए इधर से मैं स्टार्ट हो रहा हूँ, तो इस पर इधर क्लिक करते हैं, आप ऊपर वाली साइड पर आके देखो एक स्प्लिट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। अगर आप कीबोर्ड से जस्ट एस का बटन दबाओगे तो फिर भी हो जाएगा, नहीं तो आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हैं वीडियो हमारी अलग हो चुकी है। अब ये वाला जो एरिया है हमारे पास, ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूँ। कीबोर्ड में आपने डिलीट का बटन मिल जाएगा आपको, तो वो डिलीट किया और अब मैं इसको पकड़ के शुरू में ले आता हूँ। ये ना ओके, आपने वीडियो को इधर तक ऐसे छोड़ दो तो फिर क्या होगा, जब आप देखो वीडियो प्ले करोगे इतना हिस्सा पहले ब्लैक रहेगा, तो आप ये देख सकते हो व्यू में भी ब्लैक आ रहा है, तो ये ब्लैक है जब वीडियो स्टार्ट हुई है। तो अब मैं इसको पकड़ के थोड़ा सा इसको इधर ले आता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं वीडियो की इस पर इस तरह सेटिंग मैंने थोड़ी सी कर ली। अब मैं वीडियो प्ले करता हूँ, तो ये मेरी वीडियो प्ले हो रही है। अब मैंने बहुत सारे, अब देखें मेरी वीडियो चल रही है, ठीक है, और अगर मैं इस जगह पे आता हूँ, ठीक है, अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा गैप है, यानी कि मैं इधर क्लिक करता हूँ तो इधर मैं देखें चुप कर गया हूँ, यानी कि मेरा अगर फेस रिएक्शन देखेंगे तो मतलब कुछ होता है बोलते हुए चुप बंदा कर जाता है। तो अब ये वाला एरिया आपने करना है, तो इस तरह करके आप अपने वीडियो को एडिट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। अब मैं कीबोर्ड से एस का बटन दबाऊंगा या आप इधर से इसके ऊपर भी यूज कर सकते हो। मैंने एस का बटन दबाया, देखिए स्प्लिट हो चुकी है और ये वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, इसमें से इधर से स्प्लिट करता हूं और ये देखिए ये वाला इतना एरिया मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं कीबोर्ड से डिलीट कर देता हूं और इसको मैं साथ जोड़ देता हूं। अब देखें, अब मैं अगर करूंगा, ठीक है,
तो आपको कुछ ना फील नहीं हुआ, ना फ्रेम नहीं। अभी आप ये देख सकते हैं बहुत सारी जगह के ऊपर ये ऐसी चीजें आ रही है, ठीक है। जैसे अभी देखिए इधर आ रहा है हमारे पास, अगर मैं प्ले करता हूँ तो ये देख सकते हैं इधर मैं ये इधर मैं आके चुप कर जाता हूँ, ठीक है। मतलब या तो मैं कुछ भूल गया था या कुछ ऐसी चीज हुई है। तो अब ये वाला एरिया मैं ऐसे ही करता हूँ, तो क्या किया, एस का बटन दबाया, ठीक है। तो इधर से मैं इधर इतना कर लेता हूँ, ये एरिया मेरे पास रेज है तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, तो मैं इसको पकड़ के साथ जोड़ देता हूँ। तो आपने वीडियो जब करनी है, कोई भी आपने अगर कैमरे से वीडियो बना लिया है, तो आपने जब लेके आना सबसे पहले ये वाला काम करना होता है, पहले वीडियो ले आनी है, उसकी कटिंग वगैरह सफाई वगैरह जिसको बोलते हैं वो कर लेनी है आपने, ठीक है। तो ये ऐसे करके जी हमारी वीडियो का सारा सफाई हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपको मैंने अभी स्प्लिट का बता दिया, सिंपल सा ऑप्शन आपको मैंने बता दिया। अब अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कोई पिक्चर या कुछ ऐसी चीज और वीडियो ऐड करना चाहता हूं तो वो भी ले आते हैं। जैसे आप देखें, मैं इसके अंदर कोई पिक्चर ऐड करना चाहता हूं, जैसे मैं अपना आपको पहले दिखा दूं, मैं इस साइड पे एक लोगो लगाना चाह रहा हूं अपना, ठीक है। तो वो कैसे लगाऊंगा, तो आपने ट्रैक, अब देखिए ट्रैक वन तो कंप्लीट हो चुका है, ट्रैक टू के ऊपर आना है और आपने इधर आके एक डबल क्लिक करना है जहां पे आपके डेस्कटॉप पे जिधर पिक्चर पड़ी है आपकी, वो ले आओ आप इधर। तो ये मैंने लोगो वगैरह बना के रखे हुए, आप भी लोगो जब बनाओ अपने चैनल का या जिसका भी, उसके दो तीन कलर्स रख लो ताकि वीडियो के हिसाब से हमने उसमें करना होता है। तो अभी मैं ब्लैक को ले लेता हूँ, ओपन करते हैं। तो अभी आप ये देख सकते हैं मेरा लोगो जो है वो इधर आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रैग करके ना अपने दूसरे ट्रैक पे ले आता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं मेरा दूसरे जगह पे आ चुका है। तो अभी देखिए काफ़ी बड़ा आ रहा है, तो आप इसको इधर से पकड़ के छोटा कर सकते हो, जहाँ पे भी आप एडजस्ट करना चाहते हो वैसे ही आप कर सकते हो। तो ये देख सकते हैं मैंने जहाँ पे भी रखना है, उसका साइज छोटा करना है बड़ा करना है उसके वैसे ही मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आप ये देख सकते हैं मैंने अब वीडियो इधर से स्टार्ट करता हूँ, देखें इधर करके कोई लोगो नहीं आ रहा, जैसे जैसे ही वो आया उसके साथ ही वो ऊपर लोगो आना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मैं इसको शुरू में ले जाता हूँ और इसको मैं पकड़ के ये वाले से पकड़ के मैं कहता हूँ पूरी वीडियो के ऊपर ही आए, तो ये इधर से जूम आउट करता हूँ मैं और इसको इधर से पकड़ के मैं एंड तक ले जाता हूँ। तो अब देखें मैं जब वीडियो प्ले करूँगा तो मेरी हर वीडियो के ऊपर यानी कि हर जगह पर ये पूरी वीडियो के ऊपर ये लोगो मेरा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोगो वगैरह, ठीक है, जो भी है वो आप इस तरह एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं कहता हूँ कोई और पिक्चर है, वीडियो के रिलेटेड कोई पिक्चर आ चुकी है, ठीक है, वो अभी मैं कुछ पिक्चर्स ले आता हूँ, जिस तरह मैं डेस्कटॉप पे कुछ पिक्चर्स वगैरह देखता हूँ। जैसे चले मैं ये वाली पिक्चर को लगाना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैंने इसके ऊपर लेके आया पिक्चर्स। अब ये पिक्चर्स कैसे बनाते हैं मैंने आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊँगा। बाकी क्या कहते हैं इसके लिए वैसे जो यूज़ होता है वो कैनवा वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, अडोब यूज़ कर सकते हैं, कोरल यूज़ कर सकते हैं, उनकी वीडियोज़ भी मैं बताऊँगा। इस तरह के आप एलिमेंट्स वगैरह अगर आप वीडियोज़ में ऐड करना चाहते हो कैसे कर सकते हो। तो अभी आप ये देख सकते हैं, ठीक है, तो मैं इसको जहाँ पर मर्जी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं पिक्चर्स ले आया, इधर लगाना है इधर लगा सकता हूँ, इधर लगाना है जिधर आपका दिल करता है अपनी वीडियो के हिसाब से लगाना होता है। तो अभी आप ये देख सकते हैं मेरे पास इसके ऊपर एक पिक्चर्स मैं लेके आ चुका हूँ, ठीक है, देखिए पिक्चर्स हमारे पास इधर करके आ रही है। अच्छा, अब पिक्चर्स देखिए सिंपल सी आ रही है, मतलब अगर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और अगर मैं वीडियो प्ले करता हूँ तो देखें पिक्चर आई और उसके बाद जितनी देर पिक्चर्स आप रखना चाहते हो वहाँ पर गई और उसके बाद ख़त्म हो चुकी है। तो अगर आप पिक्चर को ज़्यादा देर रखना चाहते हो, कम देर रखना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। अब जैसे मैं पिक्चर्स को थोड़ी देर रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ थोड़ा सा कोई उसके ऊपर इफेक्ट्स लग के आए, आपने क्या कहना है, इस वाले एरिया पे आना है, ये देख सकते हैं बिहेवियर का ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है, बिहेवियर्स पे आना है। ये कुछ फ्री में इफेक्ट्स हैं कमटीसीआई के अंदर, आप बहुत अच्छे इफेक्ट्स हैं इसमें आप लगा सकते हो। जैसे आप देखिए जिस समय ये वाला लगाना चाहता हूँ, तो आपने इफेक्ट को उठाना है और इसके ऊपर आके आपने ड्रैग कर देना। अब क्या होगा ये देखें, जब मैं करूँगा तो पिक्चर्स के ऊपर इफेक्ट वैसा ही लग चुका है, ठीक है। तो जितनी देर आप पिक्चर रखना चाहते हो वो है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप इफेक्ट लगाओगे उसके इस साइड पे आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज भी ओपन हो जाती है। तो अभी ये देखें इन मतलब क्या है कि जब इफेक्ट वो इंटर हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके हमारे पास इंटर हो रहा है। मैं कहता हूँ ऐसे ना हो, तो ये देखें इन के इफेक्ट हैं, तो बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, शिफ्टिंग हो, ग्रो हो, फ्लाई करे, चलिए फ्लाई इन करते हैं। फ्लाई इन में क्या करता है,
सो ये इस तरह करके मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो फ्लाई इन है, ठीक है। उसकी स्पीड अगर आप कहते हो यार कम ज़्यादा, ठीक है, अगर देखो मैं स्लो करता हूँ, इधर कर देता हूँ, तो देखना मैं अगर प्ले करता हूँ तो ये कितने ही स्लो से मेरे पास आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके आप उन इफेक्ट्स को चेंज भी कर सकते हो। अब देखिए ये ब्लिंक कर रहा है, यानी कि आ रहा है कभी जा रहा है, तो ये इसका जो है ड्यूरिंग, यानी कि जब तक वो खड़ा है उसके इफेक्ट है। तो ये देखिए वो इफेक्ट्स है, ये भी आप बहुत सारे हैं। पॉपअप करें, नन करें, जंपिंग करना स्टार्ट करें, जंपिंग में देखते हैं जंपिंग करना स्टार्ट करेगा। पहले तो ये स्लो सा हमने इफेक्ट लगा लिया, काफ़ी ज़्यादा स्लो लगा लिया, इतना स्लो लगाना नहीं चाहिए। अब देखें वो देखना जंपिंग कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने इधर से जंप का इफेक्ट लगाया है। तो जंप तेज़ करे, ज़्यादा करे, लूप टाइम, ठीक है, उसका क्या डिले हो, ये एक एक करके आप करके देखोगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, ठीक है। नन पे करोगे तो वो नन ख़त्म हो जाएगा, ऐसे आउट कि जब वो आउट होना आउट हो तो वो आउट कैसे होगा, ठीक है। तो ये सारे इफेक्ट्स वगैरह मैं वैसे आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें डिटेल से बताऊंगा। ऐसे इफेक्ट्स लगा सकते हो, ऐसे मैं कहता हूं इसके साथ, ये जो मेरी वीडियो है इसके साथ मैं एक म्यूजिक लगाना चाहता हूं, तो आपने कहना जैसे हल्का सा म्यूजिक चल रहा है ना, जैसे अभी आप ये वीडियो मेरी भी देख रहे हो, हल्का सा म्यूजिक चल रहा है, ये वाला जो म्यूजिक है ना ये कैसे लगाते हैं, तो उसके लिए भी आपको एक म्यूजिक फाइल। अच्छा, तो अभी मैं आपको यूट्यूब की वीडियोज के बारे में बता रहा हूँ कि यूट्यूब की वीडियोज आपने करनी, तो उसके लिए आपने ये नहीं कि म्यूजिक कोई भी उठाया और उसको ले लिया। तो आपने क्या करना है, अपने चैनल पे जाना है, ठीक है। मैं आपको म्यूजिक बताता हूँ कि कॉपीराइट फ्री म्यूजिक कहाँ से मिलेगा आपको। तो आपने अपने यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है, अपनी आईडी पे आके यूट्यूब स्टूडियो पे जाना है, और आप ये देख सकते हैं इधर आपने जब आना है, ये आपको ऑडियो लाइब्रेरी, ये वैसे मेरा चैनल तो नहीं है, ऑडियो लाइब्रेरी पे आपने आना है। ये वाले जो म्यूजिक है आपने जब भी कभी यूट्यूब पे वीडियो बनानी ना, तो लाजमी याद रखना है इन म्यूजिक को यूज कर सकते हो, कोई अदर मतलब किसी का म्यूजिक उठा के या यूट्यूब से वैसे डाउनलोड करके या होता है जैसे सॉन्ग वगैरह, वो नहीं यूज कर सके। करोगे तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा, आपकी वीडियो डिलीट हो सकती है, चैनल के ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, मतलब आप उसे अर्निंग नहीं कर सकते, ये याद रखना आपने। तो ये देखो बहुत सारे म्यूजिक आ रहे हैं, आप सर्च भी कर सकते हो इधर, ठीक है, इधर से प्ले करके पहले चेक भी कर सकते हो कि म्यूजिक कैसा है, तो आप ये सारा म्यूजिक आपके पास ये चलेगा, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगता है आपने उसको डाउनलोड, ये देखिए डाउनलोड का ये ऑप्शन आ रहा है, डाउनलोड पे क्लिक करो, आपके पास बहुत सारे म्यूजिक हैं फ्री में, आपके पास म्यूजिक ये मिल रहे हैं, आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह करके ये वाले म्यूजिक आपने यूज करने हैं। तो अभी आप मैं दोबारा से कंपटीशन पे चलता हूँ। तो अब मैं म्यूजिक साल में लगाना चाहता हूँ, तो म्यूजिक भी ले आते हैं इधर, तो म्यूजिक डेस्कटॉप ही चलते हैं, और म्यूजिक मेरे पास, तो म्यूजिक इधर से मैं ले लेता हूँ, जैसे ये वाला म्यूजिक मैंने डाउनलोड किया था, तो ये म्यूजिक मैं इधर ला के ट्रैक कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखे ना, मैं अगर वीडियो प्ले कर रहा हूँ, म्यूजिक तो इधर आएगा ही नहीं, मतलब चलती जा रही है ये जी, मैंने इफेक्ट लगा दिया, उसके बाद वीडियो के म्यूजिक इधर आना स्टार्ट होगा। अब मैं कहता हूँ ये शुरू से स्टार्ट हो, तो मैं शुरू पे जब लेके आऊँगा बीच में, तो ये आ रही ना पिक्चर, तो आप इसका एक ट्रैक प्लस पे क्लिक करोगे एक ट्रैक और बन जाएगा, तो आप ये ट्रैक उसके ऊपर ले जाओ। इस तरह करके आपने ये नीचे वाली साइड पे देख सकते हैं, तो एक मिनट थोड़ा बड़ा करके दिखा दूं, ठीक है। इस तरह करके आपने ये ट्रैक नीचे ऐड करते जाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रैक ऐड हो गया, ठीक है। अब ये म्यूजिक का ट्रैक है। अच्छा, अब म्यूजिक जो है अभी मैं प्ले करूंगा, देखो बहुत ज्यादा आवाज आएगी, तो आपने म्यूजिक हल्का सा रखना है, जैसे अभी आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं हल्का सा म्यूजिक आ रहा है, तो म्यूजिक हल्का रखने के लिए आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है, और इसके आना है एडिट ऑडियो। एडिट ऑडियो पे जब क्लिक करोगे तो आपके पास ये देखें, या आप वैसे सिंपल क्लिक करोगे ना, ऊपर देख ग्रीन कलर की एक लाइन आ रही होती है, आप इस लाइन के ऊपर जब आओगे ना, ये हमारा वॉइस है, अगर मैं ज्यादा कर रहा हूँ तो ज्यादा आवाज आएगी, अगर देखो मैं अगर इसको थोड़ा सा इसका कम करके आपने प्ले करके देख लेना है, तो अगर आपको प्ले में वो कहते हैं ईजी आ रहे आवाज ठीक आ रही है, तो आपके पास क्या कहते हैं इसकी आवाज। बाकी अगर आपकी आवाज, ये देखिए ये मैंने जो वीडियो है इसकी वॉइस को अगर मैं ऊपर नीचे करना चाहता हूँ, मतलब कम रिकॉर्ड हो चुकी, तो आप उसको कम ज्यादा भी कर सकते हो। तो ये हमारे पास तो म्यूजिक भी ऐड हो चुका है, मैंने पिक्चर भी, ऐसी अगर कोई और वीडियो ऐड करना चाहते हो तो आप वीडियो भी ऐड कर सकते हो। तो मैं वीडियो पे चलता हूँ, कोई वीडियो ले लेते हैं, जैसा ये वाली वीडियो ले लेते हैं, तो मैं ये वीडियो को लेके आया इसमें, ठीक है, ये वीडियो क्लिप है। तो अब क्या होगा, ये देखें जब इस पे वीडियो आएगी तो वीडियो क्लिप चलना स्टार्ट हो गया। अब आप कहते हो कि इतनी को वीडियो जस्ट आए, तो आप इसको क्रॉप भी कर सकते हो, स्प्लिट भी कर सकते हो, जो आप करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अभी आपको दे सकते हैं टाइमलाइन का आइडिया हो चुका होगा कि ये टाइमलाइन में ये ट्रैक 1, 4, 2 ऐसे 5, 6 जितने भी ट्रैक बनाने हैं, कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, सब में यही वाला ही रूल यूज होता है। तो ये हमारे पास, अगर आप ट्रैक को लॉक करना चाहते हो लॉक कर सकते हो। लॉक से क्या होगा कि वो ट्रैक वहाँ से हिलेगा नहीं, मतलब आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो, काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर काम
कर रहे हो तो आपका वो इधर उधर हो जाता है मूव, तो आप लॉक कर सकते हो। और इसको मैजिक टूल बोल रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी पिक्चर, जैसे आप ये देखें, ये वीडियो मैं इधर कर रहा था, इधर इतना गैप आ चुका है, ठीक है, इसमें भी इतना गैप, यानी कि ये देखें जब वीडियो इधर आएगी इधर ब्लैक आएगा। तो मैं कहता हूँ कि ये सारी वीडियो आपस में सारी जुड़ जाएँ, तो आपने इस मैजिक टूल पर क्लिक करना है और ये सारी आपस में जुड़ जाएंगे। और ये वाला आपका हाइड कर सकते हो, किसी वजह से आपने डिसेबल ये करना है, ठीक है, अनेबल करना है व्यू को, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये वाले जो ऑप्शन बहुत सिंपल से थे, ठीक है। तो वॉइस पिलिट का बताया मैंने आपको, और ये वाले टूल जो है वो ये कंट्रोल सी कॉपी वगैरह आप कर सकते हो। मतलब अब ये वाले जब ऑब्जेक्ट हो, मैं बार बार आगे लेके आना चाहता हूँ, कंट्रोल सी करूँगा या इधर से कंट्रोल सी कर वी करके, अब देखें उसी को मैं बार बार आगे कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा जो था इतना एरिया आपको समझ आ चुका होगा, बहुत ही ईजी यार, बहुत ही ईजी है ये, ठीक है। तो ऐसे करके आपने अपने वीडियोज़ के ऊपर जो भी चीज़ें करनी है वो आप इसके ऊपर इधर कर सकते हो। ये हमारी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में ये सारा काम होगा। तो आई होप आपको टाइमलाइन की तो समझ आ चुकी होगी, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। बाकी इसके जो आगे ऑप्शन है मैं स्टेप बाय स्टेप सारी एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो लंबी वीडियो हो जाती है, फिर अगला बंदा बोर हो जाता है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाता जाऊंगा उसका टाइटल के साथ, उसके आपको अगर कोई सर्च भी करना हो इसकी, मैं आगे से अलग से प्ले लिस्ट भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, तो आप प्ले लिस्ट के ऊपर जाके सारी मेरी इन वीडियो को स्टेप बाय स्टेप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, ठीक है। आज का इसका जस्ट इंट्रो, और आपको मैंने बताया कि थोड़ा बहुत इसके ऊपर अगर आपने काम कैसे करना है तो आपको आई होप इसमें समझ आ चुकी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो जल्दी से यार ये सीख लो, क्योंकि इसी का नेक्स्ट फ्यूचर है। फ्यूचर क्या, ये जो चीज़ें चल रही हैं नेक्स्ट इन्हीं की हैं, सारी वीडियोज़ जो भी होती है वो इन्हीं सॉफ्टवेयर के ऊपर बनती है, और ये वाला बेस्ट सॉफ्टवेयर है, कोई इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं, बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर हमने वीडियो वगैरह कैसे सेव करनी है, और क्या कहते हैं, और भी इसके फंक्शंस वगैरह को मैं आपको सारी डिटेल से बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।